क्या आप भी YouTube पर लाइव जाना चाहते हैं लेकिन लाइव कंट्रोल रूम के फीचर्स थोड़े से आपको कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं तो ऐसे केस में ये मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूं इसमें मैं पूरा लाइव कंट्रोल रूम के फीचर्स आपको बताने वाली हूँ किस फीचर को कब यूज करना चाहिए और किस सेटिंग का मतलब क्या होता है ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे साथ ही किस तरह से आप स्ट्रीम की किस तर, और साथ ही किस तरह से आप स्ट्रीम की को पेज कर सकते हैं ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं तो ये जो यहाँ पर आप विंडो देख रहे हैं जैसे ही आप लाइव जाएंगे तो ये जो यहाँ पर विंडो आ रही है इसे हम कहते हैं लाइव कंट्रोल रूम यहाँ पर देखिए ये स्ट्रीम सेटिंग्स हैं एनालिटिक्स है, है व्यूअर एक्टिविटी है स्ट्रीम हेल्थ है साथ ही आपकी लाइव को एडिट करने का भी ऑप्शन है और यहाँ पर ये चैट वाला ऑप्शन आ जाएगा तो सबसे पहले एक बार लाइव जाते हैं फिर सारी चीजों को समझते हैं कि किस सेटिंग का मतलब क्या है क्या क्या सेटिंग्स हमें समझनी है ये सारी चीजें देखेंगे तो देखिए ये आप समझ चुके हैं यहाँ पर ये हमारी स्ट्रीम की है स्ट्रीम यू है उसके अलावा यहाँ पर ये तीन ऑप्शन थे जो कि हमें लाइव शुरू करने से पहले चूज करने हैं देखिए पहला होता है लेटेंसी लेटेंसी का मतलब क्या है कि आपका कैमरा आपको कैप्चर कर रहा है और वो चीज कब आपकी ऑडियंस को देखे लेटेंसी का मतलब जैसे कि मान लीजिए कितना डिले आना चाहिए आपके लाइव में और आपके ऑडियंस पर डिलीवर होने में जैसे कि अगर मैं अल्ट्रा लो लेटेंसी चूज करती हूँ तो जैसे मैंने अभी बोला हेलो तो हेलो बोलते ही और ऑडियंस के सामने वो चला जाएगा ऑडियंस के सामने भी वो हेलो सुनाई देगा बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा अगर मैं नॉर्मल लेटेंसी क्लिक करती हूं तो मुझे एटलीस्ट फाइव टू टेन सेकेंड्स का गैप आएगा जैसे मैं अभी हेलो बोल रही हूं तो पांच सेकंड बाद में ऑडियंस को हेलो सुनाई देगा तो नॉर्मल लेटेंसी हम इसलिए चूज करते हैं क्योंकि इससे क्वालिटी बहुत अच्छी आती है आपकी वीडियो की लेकिन आपके पास अच्छा नेटवर्क है अच्छा आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं अच्छा सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप इसको लो लेटेंसी या अल्ट्रा लो भी रख सकते हैं लेकिन नॉर्मल से क्वालिटी बहुत अच्छी आती है अगर आपका अभी स्टार्टअप ही है मतलब बहुत ही लो लेवल से आप शुरू कर रहे हैं तो आप नॉर्मल लेटेंसी रखिए और थोड़ा सा बस ये डिले होगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो बिल्कुल तो लाइव ही इंटरेक्ट करना चाहती हूं मेरी ऑडियंस के साथ में तो आपको अल्ट्रा लो लेटेंसी रखनी पड़ेगी लेकिन क्वालिटी उसमें थोड़ी सी दब जाएगी सो तो आप अपने अकॉर्डिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं उसी के साथ ही अगर आप DVR ऑन करना चाहते हैं यानी कि आपकी लाइव चल रही है और आपकी ऑडियंस जो है लाइव को ऐसे फ्रंट और बैक करके मतलब रिवाइंड करके पॉज करके प्ले करके देख सकती है तो DVR आप कर लेंगे ये एक बहुत अच्छा सिस्टम आया है थ्री डिग्री वीडियो भी आप यूट्यूब पर डाल सकते हैं पूरा थ्री डिग्री आप शो कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही हाई एंड सेटअप चाहिए होगा ओके उसके अनलिस्ट तो ही तो तो कर रखा है क्योंकि जैसे आपको शो करने के लिए बता रही हूँ लेकिन जैसे मान लीजिए पब्लिक है लाइव होने के बाद में मैं, मैं चाह रही हूँ कि मेरी जो ये वीडियो हो ना ये अनलिस्ट सेव हो और फिर मैं कुछ एडिटिंग करके उसको वापस रीअपलोड कर दूं तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं या फिर उसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं ओके okay? उसके अलावा ये सारी जो एडिटिंग है वो आप यहाँ पे कर सकते हो ये वैसे तो आपको जब आप लाइव शुरू करो उससे पहले आपको करनी चाहिए ये सेटिंग्स, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या तो अगेन जो हमारी वीडियो अपलोडिंग के टाइम में मैंने आपको सेटिंग्स बताई थी ना वो सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर करनी है तो ये देखिए जैसे आपका टाइटल आ गया टाइटल के बाद में आपका डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के बाद में आपकी विजिबिलिटी कैटेगरी थंबनेल सारी चीजें आपको यहां से एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन अगर आपका मेन मोटिव ही है यूट्यूब से मनी अर्न करना तो लाइव स्ट्रीम बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है तो आप इसको मोनिटाइज कर सकते हैं अगर कोई एड्स यहाँ पर प्ले होती है तो उसका रेवेन्यू आपको मिलेगा और साथ ही वॉच टाइम भी अच्छा काउंट होगा ओके सो तो यहाँ पर आप इसको ऑन करके और अपनी जो भी वीडियो

उसके अलावा पार्टिसिपेंट मोड की कौन पार्टिसिपेट कर सकता है हमारी वीडियो में कोई भी या फिर सिर्फ आपके सब्सक्राइबर्स अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं लेकिन अगर आपकी सब्सक्राइबर्स इतने ज्यादा नहीं है तो आप एनी पर पे ही सिलेक्ट कीजिए उसके अलावा ये है स्लो मोड बहुत ही अच्छा तरीका है जब भी मान लीजिए कोई पर्सन आपको कमेंट कर रहा है जैसे मिस्टर ए है उसने कोई कमेंट किया तो उसके अगर मैं स्लो मोड सेलेक्ट करके रखती हूं तो आफ्टर सिक्सटी अपना दूसरा कमेंट कर पाएगा यानी दूसरी चैट भेज पाएगा तो आप इसको और भी इसका टाइम चेंज कर सकते हैं जैसे थर्टी सेकेंड हो गया या फिर आप इसको और भी बढ़ा भी सकते हैं या फिर द, कम भी कर सकते हैं या फिर स्लो मोड को हटा ही सकते हैं कि कोई भी जैसे जैसे मैसेज कर रहा है वो आपको शो हो रहा है उसके अलावा यह अच्छा ऑप्शन है ये नया ही ऐड हुआ है बेसिकली रीडायरेक्ट का मतलब होता है कि ये लाइव खत्म होने के बाद में मेरी कौन सी वीडियो ओपन हो तो लाइव खतम होगी और यहाँ पर जो भी मैं वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट करके रखूंगी जो भी मेरी वीडियो है तो मेरी ऑडियंस उस वीडियो पर चली जाएगी लाइव खत्म होने के बाद में मतलब तो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा वो ओके तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आप इसको सेलेक्ट करके रख सकते हैं और फिर ये जो हमारी सारी सेटिंग्स है इनको आप सेव कर देंगे और ये यह यहां पर शो हो जाएंगी ऑलराइट उसके अलावा यहां पर ये आपको एनालिटिक्स में दिख जाएगा कि आपकी कितने लोग आपकी जो ये लाइव है ये देख रहे हैं ओके कितने प्ले हुए हैं अभी तो मैं जस्ट मैंने अनालिस्ट किया हुआ है किसी के साथ भी लिंक शेयर नहीं है तो इसीलिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा लेकिन यहाँ पर सारा आपको एनालिटिक्स दिख जाएगा कितने सब्सक्राइबर्स आए सारी चीजें दिख जाएंगी और वो तो लाइव खत्म होने के बाद भी आप देख पाएंगे व्यूअर्स एक्टिविटी अगर कोई सुपर चैट्स आई है कोई मेंबर्स जुड़े हैं तो वो भी सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी और स्ट्रीम हेल्थ की कैसी स्ट्रीम है तो स्ट्रीम अभी हेल्दी है यानी अच्छा है, वो आ रहा है लेकिन अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी ऑडियंस बोल रही आवाज नहीं आ रही आपकी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कनेक्शन कैसा है तो मतलब उन्हीं के एंड से कुछ प्रॉब्लम है आप बोल सकते हैं उनको ओके सो so ये यहाँ पर मेन मेन हमारी सेटिंग्स थी जो कि हमने यहाँ पे कर ली सो so उसके अलावा अगर आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर करना चाहते हैं तो यहां से आप शेयर कर सकते हैं ये स्ट्रीम यू आ जाएगा कॉपी करके शेयर कीजिए तो कोई भी इसके साथ जुड़ जाएगा अभी अनलिस्टेड है तो वैसे भी लिंक की जरूरत होगी ओके okay? उसके अलावा आप इसको सेव कर सकते हो और इसकी एक हाईलाइट वीडियो भी बना सकते हो अब जैसे कि हमारी लाइव शुरू हो गई है तो इसको हम एंड करेंगे एंड कैसे करेंगे यहाँ से एंड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड योर स्ट्रीम विल स्टॉप इमिडिएटली एंड यू विल नो लॉन्गर बी लाइव तो हम क्लिक करेंगे एंड एंड क्लिक करने के बाद में तो ये देखिए ये हमारा लाइव आ गया नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये यह देखिए यहाँ पर पूरा एनालिटिक आ गया कितने हमारे यहाँ पर ड्यूरेशन रही कितने हमारे एवरेज वॉच टाइम रहा कितने प्लेबैक्स हुए कितनी चैट रेट हुई अब आप इसको एडिट इन स्टूडियो भी कर सकते हो कि यहाँ पर इसको आप सेव करने के लिए तो यहाँ पर अगेन जो वीडियो अपलोडिंग के टाइम सारी चीजें आती हैं ना वो वापस से आ गई आप इसको चेंज करके अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेव कर सकते हो नहीं तो आप इसको सेव नहीं करोगे तो ये यहाँ पर सेव नहीं होगी आप यहाँ पर चैनल कंटेंट में आ जाएंगे ओके तो डिस्कार्ड हम कर देंगे अभी यहाँ पर लाइव में देखो ये जो हमारी स्ट्रीम अभी हुई है ये यह यहाँ पर शो हो गई इसको आप रख भी सकते हैं इसको आप पब्लिक भी कर सकते हैं या फिर आप इसको एक बार डिलीट भी कर सकते हैं ओके तो मैं इसको कर देती हूँ यहाँ से एक बार डिलीट नहीं तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं तो इसी सेक्शन में आपकी ऑडियंस को ये जो वीडियो है ये मिलेगी ओके तो इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे आप लाइव जा सकते हैं कुछ ना कुछ आपने इस वीडियो से जरूर सीखा होगा अगर कुछ सीखा हो तो इसी तरह की वीडियो, वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं और कोई भी क्वेरी हो क्वेश्चन हो, हो लाइव से रिलेटेड इस वीडियो के कॉमेंट में मुझे बता दो क्योंकि मैं एक ही वीडियो लेकर आऊंगी जहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन के आंसर होंगे ओके थैंक यू सो मच